डियर स्टूडेंट, आज हम जो पैडागॉजी इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने चाह रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करने चाह रहे हैं, उस टॉपिक का नाम हमारा अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्रियां। अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री, यानी जो हम अर्थशास्त्र शिक्षण में, आपने इससे पहले पढ़ा कि सहायक सामग्री का क्या अर्थ होता है। मैं आपको बता देती हूँ फिर से, सहायक सामग्री का अर्थ होता है जो विद्यार्थियों को अभिप्रेरणात्मक उपक्रम के अंतर्गत पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए जो अभिप्रेरणा देती हो, तथा शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ की ओर आकर्षित करती है। वह शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को समझने में जितनी तत्परता रखती हो तथा जितना ज्ञानार्जन की गति में वृद्धि करती, उन सभी वस्तुओं को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के लाभ भी मैंने आपको बताया कि अधिगम को सरल बनाती, नवीन तथ्यों से परिचित कराती, वस्तु स्थिति से परिचय कराती है हमारा, और अधिगम को एकदम स्पष्ट बना देती है, जिज्ञासु बनाती है। उसके अलावा मैंने आपको सहायक सामग्री का महत्व में आवश्यकता भी पढ़ाया, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी ये आवश्यकता होती है, इसका ये अर्थ होता है, अधिगम को इतना सरल और स्पष्ट बनाती है और प्रभावी बनाती है। तो कौन सी वो सहायक सामग्रियाँ होती है जो अर्थशास्त्र शिक्षण को इतना प्रभावी, सरल और स्पष्ट रूप प्रदान करती है? तो उसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि इसमें जो सहायक सामग्रियाँ होती है वो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली है हमारी परंपरागत सहायक सामग्री। सबसे पहली जो है हमारी परंपरागत सहायक सामग्री। तो परंपरागत सहायक सामग्री वो सामग्री, इसके अंतर्गत उन सामग्री को सम्मिलित किया जाता है जिनका उपयोग पहले से ही, पहले की भांति, यानी पहले से जैसे ही स्कूलों में किया जाता था, विद्यालय में पहले से ही इनका उपयोग किया जाता था, वैसे ही आज भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका शाम पट हो गया, फैनल बोर्ड हो गया, पुस्तकीय तालिकाएँ होगी, ग्लोब हो गया, और समाचार पत्र हो गए, या सामान्य पत्र पत्रिकाएँ हो गया, ये आपके परंपरागत सहायक सामग्री कहलाती है। मैं आपको फिर से बता दूँ, इसमें 5 प्रकार की सहायक सामग्री प्रयुक्त होती है, जिसमें सबसे पहली जो सहायक सामग्री हमारी वो है परंपरागत सहायक सामग्री। परंपरागत सहायक सामग्री वो होती है जो हमारी बरसों से चली आ रही है और जिसका उपयोग आज भी उसी तरह से हो रहा है। उसमें है पुस्तक पुस्तिकाओं की जो तालिकाएँ होती है, या पुस्तक पुस्तिकाएँ वो, फिर सामान्य पत्र पत्रिकाएँ, फिर हमारे जो समाचार पत्र होते हैं, फाइनल बोर्ड होता है, और जो श्याम पट होता है, चौक हो गया, ये सब हमारे परंपरागत सहायक सामग्री के साधन हैं। अब दूसरी जो सहायक सामग्री आती है वो हमारा दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री। अब दृश्य, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दृश्य यानी कि वे सारे साधन जिन्हें अध्यापक छात्रों के सम्मुख प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लेता है, या उन्हें आकर्षित करने के लिए, पाठ को आकर्षित करने के लिए छात्रों के समीप या छात्रों के सम्मुख या छात्रों के सामने वह जिन उपकरणों का उपयोग करता है, वो हमारा दृश्य सामग्री होता है। दृश्य सामग्री यानी जिन्हें देखकर विद्यार्थी पाठ की ओर आकर्षित होते हैं या अधिगम को प्रभावी बनाते हैं, वे हमारे साधन दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। यानी कि उसमें क्या क्या आता है, हमारा समय सारणी हो गया, फिर हमारा कार्टून्स हो गया, पोस्टर्स हो गए, रेखा चित्र हो गए, रेखाकृति हो गई या प्रतिरूप हो गए, ये सब हमारे दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। वे सहायक सामग्री जिनके माध्यम से देख के विद्यार्थी पाठ की ओर आकर्षित हो या अपने अधिगम को प्रभावी व स्पष्ट व सरल बनाते हों, वे सहायक सामग्रियाँ दृश्य सहायक सामग्री कहलाती हैं। जिनको मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी होती है, जैसे समय सारणी है, कार्टून है, रेखा चित्र है, प्रतिरूप है, पोस्टर है, ये सब हमारी दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। अब हम जो बात करेंगे वो है हमारा यांत्रिक सहायक सामग्री। तीसरे नंबर पर है हमारा यांत्रिक सहायक सामग्री।
अब यांत्रिक आपको परंपरागत सहायक सामग्री पता चल गया, आपको दृश्य श्रव्य सामग्री पता चल गया। अब यांत्रिक सहायक सामग्री क्या होती है? यांत्रिक सहायक सामग्री जो है उसको भी तीन भागों में बांटा गया। तो यांत्रिक में सबसे पहले आता है श्रव्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, ब है हमारा दृश्य, और स है हमारा श्रव्य दृश्य। तो ठीक है, यांत्रिक को भी तीन भागों में बांटा गया है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। अब जो श्रव्य सहायक सामग्री होती है हमारी, उसके अंदर क्या क्या आता है? श्रव्य के अंदर आता है हमारा जिसका उद्देश्य कुछ सुनाना हो, जिसका उद्देश्य होता है कि कुछ सुनकर हमारे पाठ की ओर आकर्षित हुआ जाए और अधिगम को प्रभावी बना जाए, तो वो हमारी श्रव्य सामग्री कहलाती है, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन और टैप रिकॉर्डर। अब हम बात करेंगे हमारी दृश्य सामग्री का। दृश्य सामग्री वे सामग्री होती है जिसका उद्देश्य देखकर पाठ की ओर आकर्षित होना तथा हमारे अपने अधिगम को स्पष्ट एवं सरल एवं प्रभावी बनाना, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स और चार्ट आदि। अब बात करेंगे हम दृश्य श्रव्य सामग्री जिसका उद्देश्य देखना और सुनना दोनों हो तथा उसके माध्यम से देखकर सुनकर पाठ की ओर आकर्षित किया जाए विद्यार्थियों को, तो वो हमारी सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य कहलाती, जिसके अंतर्गत हमारा चलचित्र है, टेलीविजन है, नाटक है, कठपुतली आदि है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का ये होता है कि वो सीधा विद्यार्थी के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती तथा ज्ञानार्जन में की जो गति होती है उसमें वृद्धि करती है, जिसके साधन है चलचित्र, कठपुतली, टेलीविजन, नाटक आदि। अब हमारा जो चौथे नंबर का जो सहायक सामग्री वो है आशुरक्षित उद्योतन सामग्री, आशुरक्षित उद्योतन सहायक सामग्री, यानी आशुरक्षित उद्योतन सहायक सामग्री से क्या अभिप्राय, मैं आपको बताती हूँ कि जो आशुरक्षित होते हैं उसके अंदर अध्यापक स्वयं छात्रों के जो सामने यानी छात्रों की सहायता से वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूप तैयार करवाते हैं, यानी जो अध्यापक स्वयं छात्रों के माध्यम से जो वास्तविक वस्तुएं हैं उनके प्रतिरूप यानी उनके मॉडल तैयार करवाती है, जैसे कि एल्बम, चार्ट, इन सब का प्रदर्शन करवाती है और उनको निर्मित करवाती है। यानी कि सीधा स्पष्ट मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बता दूं कि जो अध्यापक अपने स्वयं अपने छात्रों से कुछ मॉडल्स, चार्ट, प्रतिरूप बनवाती है और उसका प्रदर्शन कराती है, वो हमारा होता है आशुरक्षित उद्योतन सहायक सामग्री। अब हमारा जो पाँचवें नंबर पर आता है वो है हमारा अन्य सहायक सामग्री के अंतर्गत जो आता है, जैसे जो भी अध्यापक अपने अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए जिस भी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर रहा है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, जैसे सरस्वती यात्रा, शिक्षा यात्रा, हमारा शैक्षिक भ्रमण हो गया, संग्रहालय हो गए, या प्रदर्शनी हो गया, या मेले हो गए, या उत्सव हो गए, इनका भी उपयोग यदि वो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए और अधिगम सरल बनाने के लिए उपयोग में ले रहा है तो हमारा अन्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो हमारा था अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्रियाँ। सबसे पहला हमारा था परंपरागत सहायक सामग्री, वे सहायक सामग्रियाँ जो पहले भी विद्यालय में उपयोग में ली जाती थी और आज भी ली जा रही है, जैसे कि चांपट, चौक, बोर्ड और फैनल बोर्ड हो गया, पाठ्य पुस्तक की तालिका होगी आदि, और सामान्य पत्र पत्रिका या ग्लोब आदि, इन सबको परंपरागत सहायक सामग्री कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा दृश्य सहायक सामग्री जिसका उद्देश्य देखकर विद्यार्थियों को पाठ की ओर आकर्षित करना हो। फिर हमारी यांत्रिक सहायक सामग्री जिसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। अब हमारा श्रव्य सहायक सामग्री ये है कि जिसका उद्देश्य होता है कुछ सुनाना, जैसे टैप रिकॉर्डर और रेडियो इत्यादि, और दृश्य सामग्री जिसका उद्देश्य होता है देख कर विद्यार्थियों को पाठ की ओर आकर्षित कराना, जैसे प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स और चार्ट आदि। और दूसरा हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री वो जिसका उद्देश्य होता है जो विद्यार्थियों के डायरेक्ट विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर इफेक्ट डालता है, जिससे कि विद्यार्थी अपने अधिगम के अंदर रुचि लेने लग जाते हैं
और उनका जो अधिगम है वो प्रभावी हो जाता है, जैसे जलचित्र, टेलीविजन, नाटक, कठपुतली इत्यादि। असुरक्षित उद्योतन सहायक सामग्री, असुरक्षित उद्योतन सहायक सामग्री वे सहायक सामग्री जिसके अंदर विद्यार्थियों को अध्यापक द्वारा वहीं पर कक्षा के अंदर ही कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं और मॉडल और प्रतिरूप और चार्ट बनवाए जाते हैं स्वयं विद्यार्थियों के द्वारा, तो वो असुरक्षित उद्योतन हमारी सहायक सामग्री कहलाती है। अन्य सहायक सामग्री जैसे कि जिसके अंदर वे सहायक सामग्री आती है जिसके अंतर्गत संग्रहालय आ गए, प्रदर्शनी आ गई, मेले उत्सव आ गए और जो सरस्वती यात्रा शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है वो सब इसके अंतर्गत आती है। यदि आपको इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।